डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मघश्याम है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। आज मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको 30 साल पहले की उस घटना की जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे गांव में घटी थी। हमारा गांव जंगल के बिल्कुल पास लगता था और यहाँ पर प्राचीन परंपराएं चलती आ रही हैं। हम कुदरत की पूजा करते हैं, हम और भगवानों के साथ साथ कुदरत की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं। हमें यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, किसी समय देवताओं ने भगवानों ने ये जंगल हमें दिए थे और जब ये जंगल हमें दे दिए गए थे तो कई राक्षसों ने इन जंगलों को ख़त्म करने की कोशिश की थी, जंगलों के पेड़ों को काटा था, हमेशा के लिए यहाँ बंजर बनाने की कोशिश की थी और देवताओं को भी परेशान किया था। उसके बाद देवताओं ने यहाँ पर कुदरत का बेटा छोड़ा था, कुदरत का बेटा जो इन जंगलों की रक्षा करता है। जब भी यहाँ पर कोई बुराई हावी हो जाती है तो कुदरत का बेटा हमारी रक्षा करता है उस बुराई से। तभी से ये कहावतें चली आ रही हैं और हम जंगल के अंदर पेड़ों की पूजा करके आते हैं। हमारा मानना है कुदरत की पूजा करना यानी कि यहाँ पेड़ों की पूजा करना। पेड़, मिट्टी, आसमान, धरती, हर चीज़ जो कुदरत से बनी हुई है वही तो कुदरत की देवी है। और कुदरत के बेटे को एक बार आवाज़ लगाई जाती है, सताला, यही नाम दिया गया है यहाँ पर। गांव के लोग हर साल यहाँ पर पूजा करने के लिए जंगल के बीच जाते हैं, वहाँ पर आग जलाते हैं और सताला सताला 10 बार कहा जाता है, उसके बाद वापस चले आते हैं। माना जाता है कि एक माँ को तभी खुशी मिलती है जब उस बेटे का नाम लिया जाए, इसी कारण सताला का नाम 10 बार लिया जाता है। लेकिन ये तो प्राचीन कहानियाँ हैं, यहाँ पर नए जन्मे बच्चे इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहे थे। 30 साल पहले की बात है, मैं भी गांव में खेला करता था। उस समय मेरी उम्र 30 साल हुआ करती थी और मैं जंगल में लकड़ियाँ काट कर घर लेकर आया करता था, वो भी बात अलग ही थी। आपको जवानी के दिन हर बार याद ही रहते हैं, भले ही आप मौत के कितने भी करीब हों, अब भी मुझे वो यादें बिल्कुल ताज़ा नज़र आती हैं। उस पुल के ऊपर से निकलकर जाना और जंगल के पेड़ों को काटकर कुछ लकड़ी लेकर आना ताकि आग जलाई जा सके और घर में खाना पकाया जा सके। जंगल में हमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैं माना करता था भले ही कुदरत की देवी नहीं होती, उस कुदरत की देवी का कोई बेटा नहीं है, लेकिन ये जंगल भी जिंदा होते हैं, हमें खाने के लिए फल देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं जिसका इस्तेमाल हम जलाने के लिए भी कर सकते हैं, घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। हमारा गांव भी इस जंगल के सहारे इसी तरह से फल फूल रहा था। नदी हमारे गांव के पास से गुजरती थी जिसके पानी से हम यहाँ खेती किया करते। हमारा रोज़मर्रा का यही काम था, हम शहर से काम की चीज़ ही लेकर आते, बाकी सब हमें जंगल से ही मिल जाता। आखिर इंसान की ज़रूरत क्या होती है, रहने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए और हम इससे सफल जीवन जी सकते हैं। हर रोज़ का काम मेरा, जंगल में हम जाते, फल सब्जियां तोड़ कर लाते, पेड़ों को काट कर लाते। जब भी हम किसी पेड़ को काटते तो माफ़ी मांगते, क्योंकि उस पेड़ की हम जिंदगी लेते, लेकिन हमारा घर भी उससे ही चलता। यहाँ कहा जाता है कि एक पेड़ को काटो तो एक पेड़ लगा दो तो आपको माफ़ी मिल जाती है, इसीलिए हम यहाँ एक पेड़ काटते, एक पेड़ लगा देते। हर रोज़ हम छोटे मोटे पेड़ों को काट कर लाते, हर रोज़ उन्हीं लकड़ियों से आग जलती और हमारा घर अच्छी तरह से चलता। मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, लेकिन एक दिन जब रात के 8 बज गए थे और मेरे सभी दोस्त पहले ही आ चुके थे, मैं जिस पेड़ को काट रहा था उसे काटने में बहुत परेशानी हो रही थी। हर कोई अपने अपने पेड़ को काट रहा था क्योंकि गांव में कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, इसी कारण सब अलग अलग पेड़ों पर लगे हुए थे, ग्रुप बने हुए थे और मेरे साथ आने वाले आज नहीं आए थे तो मैं अकेला ही एक बड़े पेड़ को काटने लगा था।
उस पेड़ को काटकर मैंने नीचे गिरा दिया था, लेकिन अब डर ये था इस पेड़ के छोटे टुकड़े करूंगा तभी तो घर लेकर जाऊंगा। यहां पर पेड़ पड़ा रहेगा तो कोई और गांव वाला आएगा, इस पेड़ को उठाकर चला जाएगा, आखिर सारे दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए 8 बजे भी मैं उस पेड़ को काटने में लगा हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में। उस कुल्हाड़ी के सहारे मैं पेड़ को जोर जोर से मार रहा था और वहां पर वो आवाज़ उस जंगल में गूंजे जा रही थी। हमारे इस जंगल में कहावत है कि जब आधी रात हो जाती है तो वो समय देवताओं का भी होता है, प्रेतों का भी होता है। अगर आपका मन साफ हो तो आपको देवता नजर आते हैं, अगर आपके मन में जरा भी शंका है तो आपको प्रेत नजर आते हैं। हमारी ये कुदरत हमें सब कुछ देती है, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, ये हम पर निर्भर करता है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पेड़ को काटते काटते कब 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ आसपास मैंने मशाल जला रखी थी, मैं अकेला ही उन लकड़ियों को काट रहा था। एक तरफ मैंने छेद बनाया हुआ था जमीन में, वहां मैं फेंके जा रहा था ताकि कल दोबारा लेने आ सकूं। 12 बजे तक वो काम खत्म कर पाया और अब मुझे डर लग रहा था। मशाल के सहारे यहाँ कोई जानवर मुझ पर हमला नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी आधी रात हो गई थी और चलकर मुझे इस जंगल के पार अपने गांव तक जाना था। गांव में इस समय कोई नहीं जाग रहा होगा, ध्यान रखना होगा कोई जानवर मुझ पर हमला ना कर दे, और उस नदी को पार करते समय ज़्यादा ध्यान रखना होगा। रात के समय वहाँ पर पानी थोड़ा नीचे चला जाता है और कभी कभी आपका पैर फिसल जाए तो आप उस नदी में गिर सकते हैं। परेशानी वाली बात होती है क्योंकि रात को कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा भी हो जाता है, नीचा भी हो जाता है, और ये डर मुझे सताए जा रहा था। इस पुल को पुराना देवताओं का पुल कहा जाता है। ये पुल उस नदी पर बना हुआ है और उस नदी पर बना पुल इंसानी पुल नहीं बल्कि बरगद के पेड़ द्वारा बनाया गया ये पुल है। बरगद के पेड़ की जड़ें इस तरह से बनी हुई हैं कि दोनों सिरों को जोड़ रही हैं और एक पुल बना हुआ है। यहाँ ना तो आप इधर से गिर सकते हैं ना उधर से, बहुत चौड़ा पुल। इसी का इस्तेमाल हमारे गांव वाले करते हैं और इसीलिए हम मानते हैं देवताओं ने हमारे लिए पुल बनाया है, कुदरत ने हमारे लिए ये पुल बनाया है। लेकिन आजकल कई लोग कहने लगे हैं कुदरत कुछ भी हमारे लिए नहीं करती, अपने आप जो होना होता है हो जाता है। मुझे भी इसी पर यकीन था। उस रात कुछ लकड़ियाँ जो मैंने पीठ पर टांगी हुई थी उसे मैं उसी पुल के सहारे अपने गांव की तरफ ला रहा था। जैसे ही मेरे कदम उस पुल पर पड़े थे वहाँ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, हवा के कारण वो पुल हिल भी रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। लोग कहा करते थे भूत होते हैं देवता होते हैं, लेकिन मैं तो यकीन करता ही नहीं था, इसलिए आधी रात तक पेड़ों को काटने के बाद घर की तरफ झोला रहा था। जैसे ही मैं उस पुल पर पहुंचा था एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई गीत गा रहा हो। मैं अपने हाथ में पकड़ी उस मशाल को इधर उधर हिला रहा था और रोशनी करके देखना चाहता था कौन है जो घने जंगल में पुल के पास इस तरह से गीत गा रहा है। मैं कोशिश करता रहा इधर उधर देखने की, कोई नजर नहीं आया। उस बरगद की जड़ें इस तरह से यहां फैली हुई थी कि उस पुल के नीचे नजर नहीं आ रहा था, कोई उसके नीचे से जैसे आवाज लगा रहा हो। उस पुल की एक तरफ जाकर मैंने नीचे झांकने की कोशिश की, मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आई। जब मैंने अपनी आधी गर्दन बाहर निकाली थी तब वो रोशनी दिखी थी मुझे, यानी कोई इस पुल के नीचे है जो गीत गा रहा है, रोशनी जलाकर बैठा है। देखता हूँ अभी पानी बहुत नीचे था, लेकिन इन नदियों में कब पानी ऊपर तक आ जाता है पता नहीं चलता, इसलिए मुझे जल्दी देखना होगा। मैं वापस जंगल की तरफ हो गया। ये पुल काफ़ी बड़ा था और पीछे से जब मैंने नीचे नज़र गड़ाई तो नीचे थोड़ी रोशनी निकल रही थी, वो भी पुल के बिल्कुल नीचे से। कोई भी उसे देख नहीं पाता होगा क्योंकि इधर पेड़ बहुत ज़्यादा घने हैं। मैं धीरे धीरे चलता हुआ नीचे होने लगा। वहाँ पत्थर थे, ऐसा लग रहा था रास्ता बनाया गया हो नीचे जाने का। उन पत्थरों के सहारे मैं नदी के अंदर था। यहाँ पानी कम था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया था, पानी आया तो यहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा, पानी में बह जाऊँगा। धीरे धीरे उस रोशनी के करीब पहुंचा तो वहां एक गुफा सी बनी हुई थी बिल्कुल उस पुल के नीचे। अंदर से रोशनी भी निकल रही थी, कोई गीत भी गा रहा था। यहां गुफा बनाकर कोई बैठा है और गांव वालों को पता तक नहीं, ये सोचकर मैं भी हैरान हो गया था। उसके बाद उस गुफा की मैं अंदर गया। वो गुफा बहुत ज़्यादा गहरी थी, काफ़ी अंदर तक चलना पड़ा था और वहाँ किस तरफ से रोशनी आ रही थी समझ में नहीं आ रहा था।
जब मैं बहुत आगे पहुंचा तो एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके जो पैर थे वो ज़मीन में गड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई साधु हो जो यहाँ पर साधना कर रहा हो। जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने आंखें खोल ली थी। वो एक गाना गुनगुनाए जा रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो धुन बहुत ही अच्छी थी। उसके आंखें खोलते ही मैं भी हैरान और वो भी भौंचक्का। शायद यहाँ पर कम ही लोग आते होंगे या किसी को पता ही नहीं है, मैं पहला ही हो सकता हूँ। मेरी आंखें देखते ही वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, आओ स्वागत है तुम्हारा, यहाँ बहुत समय बाद कोई आया है। मैंने भी तब सवाल कर दिया, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम साधना कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं मैं साधना नहीं कर रहा, यही तो मेरा घर है। तब मैं थोड़ा हैरान हो गया और उसके बाद मैं पूछने लगा, बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो उसने कहा, मेरा घर है, तुम्हें कहा तो है, यहीं पर मैं रहता हूँ। अब मैं कुछ समय के लिए चुप हो गया था। उससे अब सवाल ऐसा करना होगा जिसका वो घुमा फिरा कर जवाब ना दे पाए। उसके बाद मैंने पूछा, अब तुम बताओ तुम हो कौन? मेरे इस सवाल से वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, तुम बहुत नाम दे सकते हो, प्रेत कह सकते हो, देवता कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास अजीब अजीब सी शक्तियां हैं, तुम ऐसे ही नाम देते हो ना। मैं अब डर सा गया था। रात का समय था और वहां रोशनी कहां से आ रही थी मुझे नहीं पता, जैसे उसका शरीर रोशनी छोड़ रहा था। लोग कहते हैं ऐसे सुनसान जंगल में लोगों को भूत प्रेत नजर आते हैं, ये भी कोई रोशनी छोड़ने वाला प्रेत ही तो नहीं। मैं कांपने लगा था, मैं कदम पीछे हटाने लगा, तभी उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, अगर तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब थोड़ी सी हिम्मत बंधी थी और मैंने कहा, तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्या तुम मुझे यहां से जाने दोगे, मुझे मारोगे तो नहीं? तो वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मारूंगा। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसी पत्थरों के सहारे मैं ऊपर चढ़ गया और तेज़ी से भागने लगा। मैं रुकना नहीं चाहता था, वो लकड़ियाँ मैंने वहीं पर फेंक दी थी ताकि मैं तेज़ी से भाग सकूँ। मुझे डर था ये प्रेत ही होगा और अब मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा। मैं उसी पुल के सहारे भाग रहा था और आसपास से आ रही आवाज़ें मुझे डरा रही थी। वो पानी की आवाज़ें जो नदी से आ रही थी, वो जंगल के जानवरों की आवाज़ें, हर आवाज़ से डर रहा था और ऐसा लग रहा था अभी वो झपट्टा मारेगा और मुझे पकड़ लेगा, वो प्रेत ही था। मैं डरता डरता गांव आया था और जब मैं घर में पहुंचा तो माँ पूछने लगी थी, इस तरह से डरे क्यों हुए हो और लकड़ियाँ नहीं लेकर आए, इतनी देर कर दी क्यों? मैं जवाब नहीं दे सकता था, मैं इतना डरा था कि सीधा पलंग पर लेट गया था। मैं सोचता रहा था पूरी रात और पूरी रात डर लगता रहा था, वो अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह जब रोशनी हुई तो हिम्मत बंधने लगी थी। रोशनी में अजीब सी शक्ति होती है, भले ही मन में जितना भी डर हो, इस रोशनी में वो डर खत्म हो ही जाता है। भूतों का डर अंधेरे में ही लगता है, जैसे ही चारों तरफ रोशनी जगमगाने लगती है वो डर भी कम होता चला जाता है। दोपहर को 12 बजे तक पूरा डर खत्म हो गया था। मैं दोबारा उसी पुल की तरफ चल पड़ा था। मैं सबसे लेट था, बाकी सब उस जंगल में जा चुके थे पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान तो उसी तरफ था। छेद में मैंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ दिन में वही लकड़ियाँ आसानी से ला सकता हूँ, बस मुझे जानना है उस गुफा में कौन है। मैं जैसे ही उस पुल के एक तरफ गया, उन पत्थरों पर पैर रखा तो वहाँ पानी बहुत ऊपर तक था। वो गुफा तो उस पानी के नीचे होगी और जो भी उसके अंदर होगा वो तो मर चुका होगा, वो साधु नहीं है, वो कोई प्रेत ही है। इसी कारण पानी के अंदर दम घुटने से भी वो मरता नहीं, प्रेत तो पहले ही जिंदा नहीं होते, इसी कारण यहाँ पर वो रहता है। ज़रूर रात के समय जब पानी कम होता है तभी गुफा नज़र आती है और तभी अंदर जाने का रास्ता निकल सकता है। मैंने इस बात को एक दो अपने जान पहचान वालों से की थी, उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था, रात को जंगल में नहीं जाते, ऐसे ऐसे प्रेत होते हैं जो आपको ठग लेते हैं और आपको मौत के घाट उतार देते हैं। जब भी सामने प्रेत आता है, जो भी उसे देख लेता है वो उससे चिपक जाता है, बस उसे मौत के घाट जब तक उतारता नहीं तब तक छोड़ता नहीं, पूजा पाठ करवाना पड़ता है तब जाकर बचते हैं हम। लेकिन मुझे कल रात वो नज़र आया था, तब से मुझे कुछ हुआ नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। शाम तक मैं वो लकड़ियां घर ला चुका था और वापस निकल चुका था।
माँ ने पूछा था कहाँ जा रहे हो, मैंने कह दिया था और लकड़ियाँ लानी हैं, कुछ फल लेकर आऊँगा, तो माँ ने भी कह दिया था दो खास फल लेकर आना। वो फल उस जंगल के दूसरी तरफ लगा करते थे और उसे लाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता, लेकिन काम तो मैं कोई और करना चाहता था। वहाँ अंधेरा हो चुका था, उन फलों को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो मैं वापस निकल पड़ा। अब माँ के सामने निराश चेहरा नहीं दिखा सकता था और मुझे मन में और चीज़ें भी थीं जो करनी थी। मैं उस पुल के पास आया, पत्थर के सहारे नीचे जाने लगा और पानी देखा मैंने नदी का, बहुत नीचे जा चुका था। मैंने हाथ में वो छड़ पकड़ी हुई थी, उसके आगे लोहे का नुकीला सा हथियार लगा हुआ था। मैं सोच रहा था अगर वो मेरे सामने आया तो इससे वार करूँगा। वैसे भी गांव वालों ने कहा था जो धातु होती है उससे प्रेत डरते हैं, और धातु को अगर उस प्रेत के पेट में चुभा दिया जाए तो प्रेत डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, इसीलिए अपने शरीर पर धातु का एक गहना पहने रहना चाहिए। मैंने ऐसा ही कर लिया था। मैंने एक लोहे की माला पहनी हुई थी, इसी के साथ धातु उस छड़ के आगे लगा रखी थी। अब मैं उस गुफा के अंदर जा रहा था और उस छड़ को आगे कर रहा था। वहाँ रोशनी बहुत थी, उस आदमी से रोशनी निकल रही थी और आगे पहुँच कर मुझे ये दिख भी गया। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम तो फिर आ गए, लगता है मैं तुम्हें अच्छा लगा। मैं भी अब गुस्से में कहने लगा था, सच्चाई जानने आया हूँ, कोई खास काम नहीं है मुझे तुमसे, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हो तुम जो नीचे मरते नहीं हो, सच बताओ, अगर कोई प्रेत हो तो मुझसे दूर ही रहना। इसके बाद वो मुस्कुराने लगा था, तो तुम्हें लगता है मैं प्रेत हूँ जो तुम्हें मार दूंगा, वो पुरानी कहानियाँ तुम सच मानते हो? मैंने कहा, नहीं नहीं मैं सच नहीं मानता, भूत प्रेत देवता कुछ नहीं होते, सब झूठ होता है, लेकिन तुम किस तरह से रोशनी छोड़ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो भी हंसते हुए कहने लगा था, चीज़ें तो बहुत सारी सच होती हैं लेकिन झूठी बातें भी होती हैं, इसलिए सच्ची बातों पर भी यकीन नहीं होता, आओ मेरे पास बैठो। मैं उसके पास नहीं बैठना चाहता था, मुझे डर सा लग रहा था, भले ही इन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता, फिर भी क्यों मुझे वो प्रेत नजर आ रहा था। मैं उसके पास पहुंचा, वो बैठने को कहता रहा लेकिन मैं बैठा नहीं, मुझे उससे सवाल करने थे और पहला सवाल मैंने उससे कहा, मुझे बताओ, सब कुछ बता दो। तो वो हंसते हुए कहने लगा, देखो अपने मन से मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम सवाल करो मैं जवाब देता जाऊंगा, जितना तुम्हारे समझ में लगता है उतना सच मान लेना, जो समझ में ना आया उसे सच ना मानना। उसके बाद मैंने सीधा सीधा सवाल किया, सच बताओ तुम कौन हो, वो जवाब देना जो मेरे समझ में आए। अब वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, ये अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब सही मिलेगा। तुम लोग मुझे सताला कहते हो, कुदरत का बेटा, और कई लोग मुझे प्रेत कहते हैं जिनको मैं सजा देता हूँ, और भी कई नाम हैं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, तुम ये दो नाम रख लो। मैंने कहा, सताला, क्या तुम वही कुदरत के बेटे हो जिसके पास असीम शक्ति है, लेकिन वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है, तुम तो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, इस तरह गुफा में छिपकर बैठे हुए हो। मैं उससे मजाक कर रहा था और उस पर हंस रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान कम नहीं हुई, वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो मानना है मान लो, यहाँ पर रहता हूँ, छिपकर रहता हूँ, डरता हूँ, ये मानना चाहते हो तो ये मान लो। इसके बाद मैंने भी उससे बहुत सारे सवाल किए, वो भी सीधे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन कई जवाब वो घुमा फिरा कर देता, मेरी समझ में नहीं आते, मैं समझ ही नहीं पाता तो और सवाल भी नहीं कर पाता। इस तरह जैसे उसको भी मैं अच्छा लगने लगा था, उसने बहुत सारे जवाब दिए थे और वो हर जवाब मुस्कुराता हुआ ही देता, मेरी जैसे उससे दोस्ती हो गई थी। उसके बाद बहुत समय हो गया था, अंधेरा बहुत घना हो गया था, मेरा ध्यान पड़ा वहाँ नदी का पानी थोड़ा ऊपर होने लगा था, उस गुफा के आधे तक पानी आ गया था और अब उसके बीच से मुझे ऊपर तक पहुंचना था। इसका बहाव ठीक ठाक ही होता है, अगर आपको सही से तैरना नहीं आता तो आप बह सकते हैं, और मुझे ठीक ठाक ही तैरना आता है, मैं बह सकता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे अब जाना होगा, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, मैं फंस जाऊँगा तो बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, वो देखो वो एक जड़ है जो इस गुफा के अंदर आती है, अगर तुम्हें कभी डर लगे कि तुम बह जाओगे तो उसे पकड़कर ही रखना, उसके सहारे ऊपर चले जाना, पूरा रास्ता बना हुआ है, तुमने इस्तेमाल नहीं किया। सच में मुझे दिखा ही नहीं था, मैंने उस पेड़ की जड़ को पकड़ा,
उसे अलविदा कहा, उसके बाद दूसरी तरफ से उसे पकड़ते पकड़ते ऊपर चढ़ गया। ये तो बहुत आसान सा रास्ता था, मैं दूसरे पत्थर वाले रास्ते से आता हूँ जहाँ पर फिसलने का डर लगा रहता है, और यहाँ से तो पानी के बहाव में भी बड़ी आसानी से मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। यहाँ जड़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, बड़ी कमाल की जगह है। अब मैं वापस अपने गाँव आ गया था। ये बात मैं किसी और को बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अब भी उस पर पूरी तरह से शक था। उसने कोई शक्ति नहीं दिखाई थी, बस सवालों के जवाब दिए थे। उन सवालों के जवाबों से ये पता लगता था कि ये सताला है, सच में कुदरत का बेटा हो सकता है। नहीं नहीं, कोई साधु होगा जो मुझसे मजाक कर रहा होगा। कल फिर से जाऊंगा और सवाल करूंगा, और इस बार उसकी शक्ति जानने की कोशिश करूंगा। उस दिन मैं गाँव में ही रहा था, लकड़ियाँ मैं बहुत सारी ला चुका था, और जैसे ही शाम हुई वो पानी नीचे होना शुरू हुआ। छिपते छिपाते पुल के नीचे मैं पहुंच गया और उस गुफा में जा घुसा। सामने वो बैठा हुआ था, मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बहुत समय बाद कोई दोस्त बना है जिसका इंतज़ार करने में मज़ा आता है। आज मैं सोच कर लाया था क्या क्या सवाल करूँगा, इसकी शक्तियाँ भी परखूँगा और समझने की कोशिश भी करूँगा, अंदर ये क्यों रहता है, रोशनी कैसे छोड़ता है। मैं उससे सवाल करता जा रहा था। मैंने कहा, सच बताओ, अगर तुम कुदरत के बेटे हो तो मेरे दुश्मन भी होगे। मैं यहाँ पेड़ों को काटता हूँ, पेड़ों को काट काट कर ले जाता हूँ, तुम तो मुझसे दुश्मनी करना चाहते होगे ना। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम भी तो कुदरत के ही हिस्से हो, तुम्हें जिंदा रखना भी मेरा ही फर्ज तो बनता है, इसीलिए उस पेड़ों को काट कर ले जाते हो, फलों को ले जाते हो, सब कुछ इस्तेमाल करते हो, ये भी कुदरत का ही तो हिस्सा है। मैं खुश हूँ तुम पेड़ों को काटते हो और नए पेड़ लगाते हो, मुझे कोई नुकसान नहीं होता, मैं तुम्हें दुश्मन क्यों कहूँ। अब वो भी घुमाकर बातें कर रहा था और सच में उसकी बात सही भी लग रही थी। तो मैंने कहा, सच बताओ, तुम कुदरत के बेटे ही हो तो मुझे दो, कुछ धन दो, कुछ दौलत दो, तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियाँ होंगी। तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा, धन दौलत कुदरत की शक्तियों में नहीं आती, ये क्या चीज़ मांग रहे हो, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं कहने लगा, मिट्टी में ही पाई जाती है धातु, सोना चांदी हीरे, तुम दे सकते हो तो दो। तो वो फिर से हंसकर कहने लगा, ये कुदरत का हिस्सा नहीं है, कुदरत इससे नहीं चलती, जीवित जो भी किसी चीज़ को जीवित कर सकता है, बना सकता है, मार सकता है, वही चीज़ तो कुदरत का हिस्सा है, ये धातुएं हैं और मैं अपनी शक्ति में इन्हें शामिल नहीं करता, तुम क्या चाहते हो। अब मैं काफ़ी मायूस हो गया था, ये बड़ा चालाक है, बिल्कुल फंसता ही नहीं, किस तरह फंसाओ। तो मैंने कहा, ठीक है, कुदरत के बेटे हो तो तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ होंगी, मेरी माँ ने कुछ फल मांगे थे, यहाँ इन गाँव में वो फल नहीं पाए जाते, जंगल के एक कोने में पाए जाते हैं, और एक फल तो शहर से आते हैं, किसी और राज्य से, मुझे वो सारे फल दो, तुम तो कुदरत के बेटे हो, तुम्हारे पास तो ऐसी शक्तियाँ होंगी जो कुदरत से फल को ला सकें। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, हाँ ये दे सकता हूँ, यही तो मैं करता हूँ, कुदरत यही करती है, तुम्हारा पेट ही तो भरती है। उसने अपना सर पीछे घुमाया और पीछे से एक एक करके मेरे सामने फल फेंकता गया। वहाँ एक खड्डा था, धीरे धीरे पूरा खड्डा भर दिया था उसने फलों से। जहाँ पर वो बैठा था पीछे इतनी जगह नहीं थी जहाँ से वो फल निकाल पाता, लेकिन उसने तरह तरह के फल मेरे आगे फेंके थे। कुछ फल तो भारत में पाए ही नहीं जाते, वो भी मेरे सामने फेंक दिए थे, महंगे महंगे फल जिसे मैं आँखें खोल कर भी देख रहा था तो यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने कंधे पर जो कपड़ा टांगा हुआ था उसी कपड़े में उन फलों को लपेट लिया और कहा, धन्यवाद, अब तुम बताओ क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, इतनी महंगी चीज़ें दी हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे क्या चाहिए होगा, कुदरत में मुझे सब कुछ मिलता है, तुम लेते हो, तुम्हें ये चाहिए था, मज़े करो, खाओ पियो, यही तो मेरी कुदरत है, जो देती है कुछ लेती नहीं। उन फलों को जब मैं घर लेकर गया था तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन माँ भी सवाल कर रही थी, ऐसे ऐसे फल मैं कहाँ से लेकर आया। मैंने माँ से कह दिया, जंगल के कुछ ऐसे इलाके मुझे पता हैं जो बाकियों को नहीं पता, मैं महंगे महंगे फल ला सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे फल लगते हैं जो किसी ने खाए नहीं होंगे, दूसरे देशों में पाए जाते हैं, मैं अपने इस गाँव से ला सकता हूँ। उसके बाद मैंने मौसी को बुआ को वो फल दिए थे, सब खुश हो गए थे,
हर कोई जानना चाहता था मैं फल कहाँ से लाया हूँ। उसके बाद मेरी दोस्ती उससे हो गई थी। सताला, कुदरत का बेटा, मैं भी उसे सच मानने लगा था। लेकिन जब मैंने बुआ के लड़के को ये बताया था तो उसने कहा था, वो प्रेत है, तुझे ठग लेगा, तुझे वहीं मरने पर मजबूर कर देगा, ना जाया कर उसके पास। वो जंगल के किस हिस्से में है? वो पुल तो जंगल के बहुत दूर वाले हिस्से में है, वहाँ पर ही तो बहुत ज़्यादा प्रेत पाए जाते हैं, वो तुझे मार देगा। वो मुझे डरा रहा था, लेकिन मेरी दोस्ती सताला से हो गई थी। वो मुझे हर रोज़ फल दिया करता, लकड़ियाँ दिया करता, पेड़ को मैं काटता और बड़ी आसानी से वो पेड़ कट जाता। कभी कभी मेरे हाथ लगाते ही पेड़ कट जाता, ऐसा लगता कोई मेरी मदद कर रहा है। लेकिन नियम तो नियम है, पेड़ को काटने के बाद वहाँ नया पेड़ लगाना ही नियम है, वो मैं करता रहता। उससे बातें करता, वो बहुत खुश होता। पहले मैं सोचता था मैं पेड़ों को काटता हूँ, फलों को लेकर जाता हूँ, वो दुखी होता होगा, लेकिन वो दुखी नहीं था, वो मुझे भी कुदरत का ही हिस्सा मानता था। मैं भी कभी लालची नहीं हुआ, फल लकड़ियाँ जो भी कुदरत में पाया जाता है वही वो देता था, और मैं भी उतनी ही मात्रा में लेता था जितना ज़रूरी हो। मैं कभी भी किसी सब्जी फल को ख़राब नहीं करता। कभी कभी जब यहाँ सूखा पड़ा होता तो फसल ख़राब हो जाती, कभी कभी पानी ही गंदा आ जाता, फसल ख़राब हो जाती, और वो मुझे फसल भी देता। उसने मुझे इस तरह फसल के खास बीज भी दिए थे जिसके बाद फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी थी और गांव वाले हैरान, आखिर मैं कैसे बीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं शहर से ला रहा हूँ, शहर के बीज भी इतने अच्छे नहीं होते जितने मेरे थे, कौन कर रहा है मेरी मदद। हर कोई जानना चाहता था लेकिन मेरे घर वाले रिश्तेदार सच्चाई नहीं बता रहे थे। सताला की बात तो बहुत कम लोगों को पता थी और वो मुझसे पूछते रह जाते, मैं बताता नहीं। वो मेरी मदद करता और मैं भी उसका एहसान मानता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। ये 1 जनवरी का दिन था जब शहर से कुछ लोग आए, उनके हाथ में मीटर था। वो गांव को नापे जा रहे थे, इस जंगल को भी नापे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वन विभाग के लोग हैं और इस जंगल को संरक्षित करने की बात कर रहे थे। हम जंगल से लकड़ियां नहीं काट सकते, हम जंगल में नहीं जा सकते, वो ये कह रहे थे। इस जंगल को बेचा जा चुका है, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। उन्होंने जब ये कहा था पूरे गांव वाले शहर में धरना प्रदर्शन करने लगे थे, लेकिन गांव वालों की संख्या कम थी। हमें मार मार कर भगा दिया गया। आधे गांव वालों को चोट लगी थी, बच्चों को, महिलाओं को पीट पीट कर भगाया गया था। हमें जैसे हमारा हक ही नहीं दिया गया था। और वो कहा करते थे कि तुम्हारे पास पेपर नहीं है इसलिए ये ज़मीन तुम्हारी नहीं हो सकती। आखिर कुदरत हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? हम कब से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यहीं पर रहा करते थे और हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। बड़ी फैक्ट्री लगानी होगी, सरकार ने इस ज़मीन को कुछ अमीरों को बेच दिया था जिसके बाद यहाँ पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। पहले तो निशान लगाने के लिए कुछ ही पेड़ों को काटा गया था। मैं तो सीधा सताला के पास पहुँच गया था। सताला को कहने लगा था, देखो शहर से लोग आए हैं, जंगल को काटने की बात कर रहे हैं, पेड़ों को काटा है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, कौन से पेड़ों को काटा है, तुम भी तो कुछ पेड़ों को काटा करते हो, ज़रूरत है तो कुदरत से उधार ले ही लेना चाहिए, उन्होंने भी उधार ले लिया तो क्या बुरा किया। मैंने कहा, हमें भगा दिया जाएगा, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे और मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास नहीं रह पाऊँगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, यही तो कुदरत का नियम है, हर कोई स्थिर नहीं रहता, तुम भी मेरे दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे, कभी ना कभी तुम्हारी मृत्यु होगी ही, मुझसे दूर तुम होगे ही, मैं तो यहीं पर रहूँगा और उन्होंने अभी तक कुछ बुरा किया नहीं है। उसने मुझे निराश कर दिया था। आज ऐसा लग रहा था कि वो कुदरत का बेटा नहीं है, वो कुदरत को बचाना नहीं चाहता। 30 जनवरी का दिन था ये। उस दिन 500 लोग शहर से आए थे जंगलों को काटने के लिए। वहाँ भीड़ ही भीड़ थी और गांव वालों को वहाँ से भगाया जा रहा था, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों को काटा जाता रहा वहाँ अजीब अजीब हरकतें होने लगी थी। कुछ लोग बेहोश होने लगे थे जिन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा था, और बाहर निकलते ही और लोग भी बेहोश हो जाते।
धीरे धीरे यहाँ समय बीतता जा रहा था और उनके पास एक ही दिन था। आज के दिन ही पेड़ों को काटना था, इस जगह को साफ करना था और 500 लोगों की भीड़ भी ये ना कर पाई तो सरकार की गाज गिरती उन पर। भीड़ 500 की पेड़ों को काटने में लगी थी और गांव वालों को यहाँ से भगा दिया गया था। मैं तो छिपते छिपाते पेड़ों के पीछे यहाँ पर इस मंजर को देखना चाहता था। मेरा घर था ये जिसे उजाड़ा जा रहा था। जंगल ही हमारे घर होते हैं और मैं इसे आखिरी बार देखना चाहता था। वहाँ 500 लोग लगे हुए थे पेड़ों को काटने में। धीरे धीरे वो बेहोश होते गए। वहाँ रात का वक्त हो गया था और उस अंधेरे में उस रात जो हुआ था वो बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पेड़ हिलने लगे थे, बादल गरजने लगे थे। मैं भागता हुआ सताला के पास गया था, उसके पास इसी समय जाया करता था। आज पहली बार उस गुफा के अंदर अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस मशाल को जलाकर मैं अंदर तक गया था। सताला वहाँ पर नहीं बैठा हुआ था। पहली बार अपनी जगह पर सताला मौजूद नहीं था। वहाँ से मैं बाहर आया, मैं देखने लगा कहाँ गया सताला। हमारी मदद करो, हमें भगाया जा चुका है, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। जंगल का ये इलाका बर्बाद कर दिया जाएगा, यहाँ पेड़ों को काट दिया जाएगा, धीरे धीरे पूरे जंगल को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो भयानक रात थी जब वो 500 लोग चीखें मार रहे थे। मैं भागता हुआ बाहर निकला था उस गुफा से और देख रहा था यहाँ हो क्या रहा है। वो लोग इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। वहाँ मैंने अजीब अजीब से जानवर देखे थे, ऐसे जानवर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था धुएं के बने हुए जानवर जो लोगों का शिकार कर रहे थे। पेड़ों को हिलते हुए देखा था मैंने। वहाँ कुछ लोगों को उन पेड़ों के तनों ने जैसे लपेट लपेट कर निचोड़ दिया था। खून की एक एक बूंद उनके शरीर से निचड़ कर गिर रही थी। मैं भागकर बाहर जाना चाहता था, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता था। यहाँ मौत का मंजर लगा हुआ था और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं भागता गया। इस जंगल से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, उस पुल के सहारे। जब मैं आगे पहुंचा था, आधा पुल नीचे ढहने लगा था। यहाँ वो पुल की जड़ें हिलती हुई पुल को बंद कर चुकी थी। मुझे घसीटते हुए एक जड़ ने पीछे फेंक दिया था। मेरी टांग को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी टांग टूटने पर आ गई थी। बड़ी मुश्किल से पत्थर से मार मार कर उस जड़ को तोड़ा था मैंने, तब जाकर बचा था। वो जड़ सांप की तरह मेरी टांग पर लिपटी हुई थी और ज़्यादा घुंटती जा रही थी। मैं उसे घिसा घिसा कर काट पाया था। तब मैं भागा था जंगल के और अंदर। वहाँ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। पेड़ इस तरह से गिरे हुए थे कि उन्हें पार नहीं किया जा सकता। वहाँ उस जंगल को किसी अदृश्य शक्ति ने घेरा हुआ था। चारों तरफ से पेड़ हिल रहे थे, पत्ते हिल रहे थे, अजीब अजीब जानवर हम पर हमला कर रहे थे। 500 लोगों की भीड़ धीरे धीरे मौत के घाट उतारी जा रही थी। कुछ का खून निचोड़ा जा चुका था, लेकिन फिर भी सब मरे नहीं थे। अधमरे कर 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 सबको छोड़ा जा रहा था। वहाँ उन लोगों को जैसे धीरे धीरे एक जगह पर ले जाया जा रहा था। वो जंगल बहुत बड़ा था और आगे निकलने का वो रास्ता बंद किया गया था। धीरे धीरे पेड़ हमें घसीटते हुए और अंदर तक ले जा रहे थे। उस जगह पर भीड़ इकट्ठा की जा रही थी और धीरे धीरे लोगों को मारा जा रहा था। छड़ियों की तरह वो जड़ें पड़ रही थी जो हमारे कपड़ों को फाड़ रही थी। मौत का मंजर यहाँ पर देखा जा रहा था। मेरे कपड़े भी फट चुके थे, पीठ पर बहुत सारे निशान छपे हुए थे। धीरे धीरे ज़मीन भी उबलने सी लगी थी। ज़मीन के अंदर से मिट्टी जैसे उड़ उड़ कर बाहर आ रही थी। ज़मीन में सबको दबाया जा रहा था। वो जड़ें उन्हें खींचती हुई अंदर की तरफ ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था हम सबको ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। धीरे धीरे वो ज़मीन दलदल सी बन चुकी थी। हर कोई आधा गड़ता हुआ दिख रहा था। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ रहे थे बचने के लिए, लेकिन उनके साथ और भी बुरा सलूक हो रहा था। ऊपर ही लटका दिया गया था। कुछ की बाजू को खींचकर धड़ से अलग होते हुए देखा था मैंने। जिसने इस मंजर को देखा था आंखें बंद कर ली थी। मेरी आंखें बंद नहीं हो पाई थी। ये बुरे लोग थे जिनकी बलि दी जा रही थी और मैं भी इस बलि का हिस्सा था। कुछ लोग ना पेड़ों पर चढ़ रहे थे ना मिट्टी में धंस रहे थे। वो किसी तरह दिमाग लगाकर बचकर भाग रहे थे।
मैं भी उनमें से एक था। किसी तरह उस मिट्टी से बचा, उस जड़ से बचा। अधमरा शरीर हो चुका था मेरा और मुझे लगा बचने का एक ही रास्ता होगा, यहाँ से दूर निकल जाता हूँ। रहना तो जंगल में ही होगा। पेड़ भी दुश्मन, कुदरत भी दुश्मन, कीड़े भी दुश्मन, मिट्टी भी दुश्मन, हवा भी दुश्मन, क्या करेंगे तब आप। मैं भी ऐसे ही मकाम पर था, लेकिन तभी दिमाग में आया, कुदरत का बेटा सताला, वही बचा सकता है मुझे। मैं भाग चुका था उसी गुफा की ओर। वहां पानी नदी का ऊपर तक आया हुआ था, लेकिन उस गुफा में जाना ही इकलौता रास्ता था। वहां किसी तरह जड़ों को पकड़ता हुआ उस गुफा के अंदर गया था। सांस फूल गई थी, लेकिन ऊपरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से बच पाया था। मैं उसी जगह था जहां सताला हुआ करता था। पीछे पानी और ऊपर भर रहा था, शायद यहां मैं बच नहीं पाता। यहां कोई पेड़ नहीं था जो मुझे मार सके, बस सताला था। अगर वो यहां नहीं आता तो मुझे ये कुदरत मौत के घाट उतार देती। एक घंटे तक वहां पानी बहुत ऊपर तक आ गया था। कुछ ही जगह बची थी जहां से मैं सांस ले रहा था। सांस भी धीरे धीरे ले रहा था ताकि हवा खत्म ना हो जाए। ऑक्सीजन जितनी कम इस्तेमाल करूंगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन तभी वहां रोशनी हो गई। कोई आया था अंदर पानी के सहारे, पानी के अंदर चलता हुआ, जैसे पानी का उस पर असर ही ना हो रहा हो। जैसे जैसे वो अपनी जगह के करीब आया, पानी एक झटके में पीछे तक चला गया था। पानी को हवा में लहराते हुए जिंदगी में पहली बार देखा था। ये भी तो कुदरत का ही हिस्सा है। वो अपनी जगह पर बैठा था, मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगा था, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत समय से देख नहीं पाया, मुझे माफ़ करना, तुम्हें भी चोट लगी होगी। मैंने मौत को इतने करीब से देखा था कि मैं सीधा उसके पैर पकड़ने लगा था। पहली बार मैंने कुदरत की शक्ति को महसूस किया था जो मुझे मौत के करीब ले चली थी। पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था, कभी पेड़ नहीं काटूंगा, कभी नहीं काटूंगा, मुझे ये सज़ा मत दो, उनकी तरह मुझे मत मारो। मेरी आंखों के सामने मैंने अधमरे होते हुए लोग देखे हैं। वो 500 लोग थे जो अंदर फंसे हुए हैं। मैं इस गुफा तक पहुंच पाया और ऊपर क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। मुझे मत मारो, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, कुदरत का कहर खत्म हो चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कुदरत संतुलित हो चुकी है, इस जगह को मेरे अधीन किया गया है, कुदरत का बेटा, ये जंगल मेरा है और जो भी इसे खत्म करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। तुम अब ऊपर जा सकते हो, अपने घर जा सकते हो। मैं भागकर वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एक सवाल था, क्यों क्यों मुझे नहीं मारा, क्या बाकियों को भी जिंदा छोड़ दिया? मैंने एक सवाल किया, उसने कहा, ऊपर कोई जिंदा नहीं बचा, वो दोषी थे, सजा मिलनी थी। मैंने कहा, क्यों मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अगर मैंने बस कुछ पेड़ ही काटे थे तो मुझे सजा क्यों दी जा रही थी? तो उसने कहा, जब प्रलय आती है क्या अच्छे लोगों को छोड़ा जाता है? जब भूकंप आता है क्या अच्छे लोग बचते हैं? जब बाढ़ आती है क्या अच्छे लोग बचते हैं? जब प्रलय आती है तो सब मरते हैं, जो भी वहां मौजूद हो, जिसकी भी किस्मत वहां खींच लाए, सब मरते हैं। ऊपर भी उनको सजा मिलनी थी प्रलय के तौर पर, ये कुदरत की प्रलय थी और तुम भी बीच में फंस गए। तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था, तुम यहां चले आए और वो प्रलय खत्म हुई सिर्फ इसलिए बचे, वरना मरना तुम्हारी भी नियति थी। मेरी आंखें नम थी और गुफा से मैं बाहर निकल आया था। मैं जिंदा था, पुल बिल्कुल सही सलामत था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहां पर कुछ बदला हो। वो पेड़ जो काटे गए थे वहां जरूर लाशें होंगी। मैं भागकर उस जगह को देखना चाहता था क्योंकि प्रलय खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मेरी आंखों के सामने जो नजारा था वो देखने लायक था। पेड़ कटे पड़े थे वहां पर, लेकिन उनकी जगह पर बड़े बड़े पेड़ लग चुके थे। कुछ ऐसी प्रजाति के पेड़ थे जो यहां पर पाए ही नहीं जाते, और ये तो पहले यहां पर मौजूद हुआ ही नहीं करते थे। बहुत सारे नए पेड़, घना जंगल बन चुका था, और लाशें थी ही नहीं यहां पर। भागता हुआ मैं गांव में गया था और वहां उन लोगों ने कहा था कि वो लोग जो पेड़ काटने गए थे वो जंगल से बाहर निकले ही नहीं, उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस वहां पर आई थी लेकिन एक भी लाश ढूंढ नहीं पाई थी।
वहां गांव वालों से पूछताछ की गई, उन लोगों को कभी ढूंढा नहीं जा पाया। 10 दिन बाद हिम्मत पड़ी थी मेरी उस गुफा में वापस जाने की, लेकिन वो वहां पर कभी नहीं मिला। मैं उसे ढूंढता रह गया, लेकिन वो गुफा में वो नहीं था, कहीं और जा चुका था। शायद उसने अपनी जगह बदल ली होगी, उसी जंगल में कहीं और, कुदरत की गोद में, कुदरत का बेटा किसी और जगह बैठा होगा। वो लोग कहाँ गए, हर कोई ये सवाल करता है, लेकिन कोई भी ये सोचता नहीं। पेड़ कट चुके थे तो नए पेड़ कहाँ से आए? ये उनकी लाशें हैं जो पेड़ बन गई। वो पेड़ों के रूप में जिंदा हैं, कुदरत का हिस्सा बन चुके हैं। वो रंग बिरंगे पेड़, वो रंग बिरंगे लोग थे जो इस तरह जंगल को काटने आए थे, कुदरत को ख़त्म करने आए थे। सरकार ने 500 लोगों की मौत के बाद ये अभियान बंद कर दिया। इस जंगल को पहले की तरह संरक्षित ही रखा गया। फैक्ट्री लगाने का मन भी उन अमीरों का बदल गया था, उनके भी कुछ रिश्तेदार मारे गए थे। इस जंगल को आज भी शापित जंगल कहा जाता है, जहां पर कुछ प्रेत हैं जो लोगों को मार देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, सताला, कुदरत का बेटा, वो ये करता है। जब जब जंगल पर आपदा आएगी, वो आएगा कहर बनकर, प्रलय लाएगा वो। जो भी वहां होगा मारा जाएगा, वो अच्छा हो या बुरा। इसी तरह तो प्रलय आती है, हर कोई मारा जाता है। 30 साल पुरानी घटना आज जब भी मैं अपने पोतों को सुनाता हूँ, वो मुझ पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं, दादाजी कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ सच होती हैं, आपको यकीन नहीं होगा। जब दोबारा जंगल पर आपदा आएगी, वो प्रलय दोबारा आएगी।